बहुत बहुत शुक्रिया। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मुख्य अतिथि हमारे बीच में बैठे हैं और मैम हमारे सामने बैठी है, उनको प्रणाम। सभी लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी के वजह से मैं यहाँ पर हूँ, आप सभी के बीच में आई हूँ। और बनारस में मेरा दूसरा कार्यक्रम है, साथ साथ आप सभी लोगों से मैं बहुत पहले मिली हूँ राजघाट काशी महोत्सव में ही, और आज यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग आए, और कुछ त्रुटि हो मुझसे तो माफ करेगा। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो मेरो यार पतीली में, मन लागो मेरो यार पतीली में, मन लागो यार पतीली आ
मॉनिटर में वोकल थोड़ा बढ़ा दीजिए, मॉनिटर्स में हम दोनों का वोकल थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब मैं एक अपनी पसंद का गीत आपको सुनाने जा रही हूँ। जैसा आपने कहा तो मेरे दिमाग में आया वो महादेव की होली सुनाने जा रही हूँ, वो भी काशी की होली।
बार आप तबले का आवाज बढ़ा दीजिए, पूरा बंद हो गया है। भूतनाथ की मंगल हो रही, भूतनाथ की मंगल हो रही, देख सिहाए विरज की छोरी, देख सिहाए विरज की छोरी, भूतनाथ की मंगल हो रही, देख सिहाए विरज की छोरी, धन धन नाथ अघोरी होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी, ओ भूत पिशाच बटोरी, मसाने में होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने दीजिए ना अंकल, जो माइक ऑपरेट करे प्लीज। अब मैं कुछ आप सभी को सूफी में सुनाना चाहती हूँ, गा सकते हैं आप लोग? अनुमति देंगे तभी गा पाएंगे। हाँ 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 माइक ऑन है, माइक ठीक है, माइक ये तबला, तबला प्लीज दे दीजिए थोड़ा, खाली तुम बजाओ तबला, तबला दोनों तबला बढ़ा दीजिए। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। जब छव देखी मैं पीहू की, अपनी छव भूल गई। आप सभी लोग मेरे साथ गाएंगे, कागा सब तन खाए
रवा बन बन जाऊं तोरे रंग रेजवा 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 अपनी से रंग दी नीरे मोसे नैना मिलाई थे अपनी से रंग दी नीरे मोसे नैना मिलाई थे छाप तिलक सब छिनी
अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा प्रणाम 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 सभी को, धन्यवाद। अच्छा अब बिल्कुल बिल्कुल एक एक करके मैं आप सभी के बीच में हूं, अभी एक एक करके जो जो आप बोलेंगे सुनाती जाऊंगी। लेकिन उससे पहले, अभी छठ बीता है बस कुछ दिन पहले, बिहार गए थे कि नहीं? हमारे मंत्री जी सामने बैठे हैं, उनकी फरमाइश है, और सच कहूं मेरा मन करा था गाने का तो बहुत अच्छा हुआ। अभी एक छठ गीत मैं आपको सुनाती हूँ।
अच्छा माइक वाले अंकल प्लीज थोड़ा सा तबला और बढ़ा दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है हमें स्टेज पे।
जुग जुग जिया सुलला नवा भवन मा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुलला नवा भवन मा के भाग जागल हो। फुलना लाल हुई है फुलवा के देखी देखी दूल्हा के सांवर सुरती
धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला रे। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम अच्छा, एक ही चीज समझ में आया, मीरा हो गई मगन। और कुछ आई गिरी नंदिनी, ये समझ में आया। देखो राजा, देखो राजा, अयोध्या लिए चलते हैं आपको थोड़ी देर के लिए। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने
राजा राम के पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, उपस्थित सभी की ओर से मैथिली जी और उनके सभी कलाकारों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और निवेदन करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय श्री रविंद्र जायसवाल को कि आप कृपया मंच पर पधारें और मैथिली जी और उनके संगत कलाकारों को सम्मानित करें। हम जानते हैं आप उन्हें सुनना चाहते हैं और लेकिन अभी कुछ समय की सीमा है और इसके बाद छत्तीसगढ़ की मिट्टी की महक लेकर वहां के संगीत को लेकर आने वाले हैं भारती बंधु। तो दो मिनट का समय दे, इन्हें भी सुने उन्हें भी सुने। सुश्री मैथिली ठाकुर, आज आपके साथ हैं आपके पिता और गुरु श्री रमेश ठाकुर। तबले पर उनके भाई श्री ऋषभ ठाकुर, गायन में साथ उन्हीं के भाई आयाची ठाकुर, उनके पिता, तबले पर श्री बबलू मिश्रा, ऑक्टोपैड पर श्री शेखर, ढोलक श्री भोला। आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ अपने स्थानों पर ही रहें क्योंकि अगले जो कलाकार हैं वो भी बहुत ही विख्यात हैं, ख्याति प्राप्त हैं, पद्मश्री से अलंकृत भारती बंधु, जो कि जिन्होंने कबीर गायकी की अपनी शैली विकसित की है। तो आप कृपया अपने स्थानों पर रहें और उन्हें भी सुने। माननीय मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मंच पर पधारे, अपने कलाकारों को सम्मानित किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी अगली प्रस्तुति पद्मश्री से अलंकृत भारती बंधु की है, जिन्होंने कबीर गायकी की अपनी शैली विकसित की है जिसमें छत्तीसगढ़ की मिट्टी की महक भी शामिल है। तो आप सबसे निवेदन है आप सभी स्थानों पर रहें अपने और दो मंच तैयार होते ही हम उनकी प्रस्तुति आरंभ कर देंगे। मंच तैयार करने में हमें दो चार मिनट का समय लगेगा, कृपया हमारे साथ बने रहें।
जब तक मंच तैयार हो रहा है, हम आपको बताना चाहेंगे अपने कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 11 बजे हमारे कार्यक्रम आरंभ होंगे, जिसमें पहले वैदिक मंगलाचरण होगा, फिर काशी पर परिचर्चा होगी, तत्पश्चात पुस्तक विमोचन होगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कल शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा प्रस्तुत रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 4:30 बजे एनएसडी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पर तैयार किया गया नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद समापन समारोह होगा और अंत में हमारा जो मुख्य आकर्षण है उसमें तुलसी की काशी प्रस्तुत करेंगे माननीय श्री मनोज तिवारी, प्रसिद्ध लोक गायक और माननीय सांसद। सो कल के कार्यक्रम में भी आज की ही तरह जरूर आइएगा। सुबह से लेकर रात तक आपके लिए हमने सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और कुछ ही क्षणों में हम प्रस्तुत करेंगे भारती बंधु का गायन। लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ से कबीर की साखियों के गायन की भारती बंधु शैली पूरी दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र शैली है। भारती बंधु 5 भाई हैं जो कबीर को गाते हैं और कबीर को जीते हैं। वह देश दुनिया में इसी नाम से पहचाने जाते हैं। भारती बंधु भक्ति संगीत की अपनी परंपरा की 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पूर्वज निर्गुण गाते थे। पिता विद्याधर गैना भारती उनके आध्यात्मिक और संगीत के प्रारंभिक गुरु भी हैं। फिर किराना घराने के उस्ताद आशिक अली खान साहब के सानिध्य में आपको घरानेदार संगीत में तालीम मिली। भारती बंधु कहते हैं कि उस्ताद आशिक अली खान साहब जब गाते थे मन लागा मेरा यार फकीरी में, तो इसी फकीरी की खातिर उनकी तलाश शुरू हुई कबीर की, और तब पता चला कि पूरा छत्तीसगढ़ ही कबीरमय है। कबीर को आत्मसात करते करते लगभग 10 साल की मेहनत के बाद भारती बंधु शैली का जन्म हुआ। भारती बंधु शैली में मूलतः कबीर तो है ही, साथ ही इसमें अन्य संतों जैसे सूर, तुलसी, नानक, मीरा, फरीद और बुल्ले शाह की बाणी भी शामिल है। ये शैली केवल शास्त्रीय नहीं है बल्कि इसमें लोक संगीत की भी मिठास है। उन्हें वर्ष 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वर्ष 2015 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। अब से बस कुछ ही क्षणों में हम प्रस्तुत करेंगे भारती बंधु का गायन।